मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, ना ये सरकार ईमानदार है। इस सरकार में पता नहीं कौन व्यक्ति सरकार चला रहा है, दो तीन ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। एक अशोक खेम का, जिसको हम बहुत ऑनेस्ट अफसर समझते थे, वाकई ऑनेस्ट है वो, तो ऑनेस्ट कैसे है, उसके 90 ट्रांसफर हो रही है। आज वो कह रहे हैं 2000 करोड़ रुपए हम कमीशन आड़तियों को देते हैं। वो पहले सरकार के खिलाफ बोलता था, किसी भी सरकार को काम नहीं करने दे रहा था, उसका काम है सुर्खियों में रहना, अब उसने आड़ती पकड़ लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से प्रदेश के अंदर सेंटर के अंदर एक किसानों का अध्यादेश, 3 अध्यादेश पारित होने जा रहे हैं। आड़तियों को वो बिल्कुल गवारा नहीं है। आज हम खड़े हैं हांसी अनाज मंडी के अंदर, जहां आड़ती धरने पर बैठे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, अध्यादेश विरोधी नारे लगा रहे हैं, इसको काला अध्याय बोल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अध्यादेश की आपने स्टडी की है, ये किसान विरोधी कैसे है, ये आड़ती विरोधी अध्यादेश कैसे है, यह सब जानने के लिए हम धरने पर पहुँचे हैं। और धरने पर पहुँचे हैं, यहाँ पर बैठे हैं राजेश लामा जी, जो अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं, सर्व व्यापार मंडल के प्रधान हैं बजरंग बंसल जी, और प्रवक्ता हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता हैं रामातार तायल जी अनाज मंडियों के, आप नेता हैं मनोज राठी जी फायर ब्रांड आप नेता हैं, और सभी व्यापारी इस बैठे हैं रविंदर मलिक जी हैं, जो बहुत अच्छे यानी कि उससे राजनीतिक कद भी रखते हैं, तो सभी आड़ती बैठे उग्र हुए हैं सरकार के खिलाफ। ये सब जानने के लिए मैं रामातार तायल जी से ही बात करना चाहूँगा, जो कि यानी प्रदेश प्रवक्ता हैं अनाज मंडी एसोसिएशन के। सीधे सीधे आपसे मुखातिब होते हैं कि भाजपा कहती है कि ये तीनों अध्यादेश जो किसान और आड़ती के बीच के अध्यादेश 21 सितंबर को पारित होने जा रहे हैं लोकसभा में, बहुत अच्छे हैं, आड़तियों का भी और किसानों का भी समन्वय होगा, लेकिन आपको आड़तियों को गवारा क्यों नहीं है, क्यों धरने पर बैठे हैं? ये तीनों अध्यादेश आड़ती, किसान, मजदूर और मुनीम विरोधी हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है एक देश एक विधान, अगर एक देश एक विधान है तो यहाँ तो 2 संविधान बना दिए। मंडी के अंदर जो कोई भी माल खरीदेगा 4% मार्केट फीस और उसको सब कुछ लाइसेंस, जीएसटी नंबर, मार्केट कमेटी का लाइसेंस, सारी चीज़ लेनी पड़ेगी, और बाहर एक पैन कार्ड पर कोई व्यक्ति कितनी भी क्वांटिटी में माल ले सकता है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये काला कानून है, इसमें ना कोई MSP की गारंटी और ना किसी बात की कोई गारंटी है, ये किसानों को और आड़तियों को ख़त्म करने वाला कानून है। आपका ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये हमारा प्रदर्शन जो है, हमारी स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के नेतृत्व में चल रही है, और यहाँ हमारा नेतृत्व हमारे बड़े भाई और हांसी मंडी के प्रधान राजेश लांबा जी कर रहे हैं। ये हमारा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हमारी स्ट्राइक भी चलेगी और हमारा धरना भी चलेगा 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा में। और हम किसान यूनियन और मजदूर यूनियन और मुनीम यूनियन सब इकट्ठी हैं और सब मिलकर, किसान भी आपके साथ, किसान भी हमारे साथ हैं, सारे साथ हैं हमारे। और जो इस सरकार को जो है कुछ अफसर चला रहे हैं, इस एजेंडे में आड़तियों का थोड़ी और मांगे भी है। 160 करोड़ रुपए हमारा लेस्टर लॉस काटा गया है, वो भी तुरंत हमें वापस मिलना चाहिए। जो हमारा ब्याज काटा गया है वो भी मिलना चाहिए, गत वर्ष का भी मिलना चाहिए। पोर्टल की कमी से जो सरकार में एक अफसर बैठे PK दास, जो सरकार का नहीं दुष्यंत का पिट्ठू है, और वो 1400 कुछ करोड़ रुपए, 27 करोड़ के लगभग ब्याज में उल्टा सुलटा प्राइवेट बैंक को ठेका देकर जिसने घोटाला किया, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके। अब बिल्कुल, परसों भी लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, और उसने उसके ऊपर कहा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और उसके बाद उसने कहा लेस्टर लॉस भी नहीं काट रहे,
और जो मजदूरी हमारी 8/5/2020 से बढ़ाई है, कोविड के चक्कर में जो मजदूरी ज़्यादा लगी है, 20 तारीख को सरकारी खरीद शुरू हुई है, हमारी बढ़ी हुई मजदूरी 20 तारीख से हमें मिलनी चाहिए। और जो ये अफसर बैठा है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं तुरंत जो आप बात कहोगे और हमारी जो मांगे वो भी हम निरस्त कर देंगे, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, ना ये सरकार ईमानदार है। इस सरकार में पता नहीं कौन व्यक्ति सरकार चला रहा है, 2-3 ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। एक अशोक खेमका जिसको हम बहुत ऑनेस्ट अफसर समझते थे, वाकई ऑनेस्ट है वो, तो ऑनेस्ट कैसे है, उसके 90 ट्रांसफर हो रही है, आज वो कह रहे हैं 2000 करोड़ रुपए हम कमीशन आड़तियों को देते हैं। वो पहले सरकार के खिलाफ बोलता था, किसी भी सरकार को काम नहीं करने दे रहा था, उसका काम है सुर्खियों में रहना, अब उसने आड़ती पकड़ ली। आड़ती 2.5% आड़त लेता है, किसान का माल उतरवाता है, उसकी सफाई कराता है, फिर उसको आगे बेचता है, उसके बदले 2.5% देता है। आगे जब पीछे निशिंग में करोड़ों रुपए डूब गए, वो व्यापारियों के डूबे हैं। एक भी हरियाणा में ऐसा मामला बता दो अगर आड़ती ने किसान का पैसा ना दिया हो। अल्टीमेटली आपकी मांग क्या रहेगी, ये मैं राजेश लामा जी से पूछूंगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रधान बने वैसे ही अध्यादेश जारी भी हुआ और ये पारित भी होने जा रहा है। आप बताइए कि भी आपकी अल्टीमेटली अध्यादेश तो पारित हो चुका है और उसके खिलाफ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया है। हम पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं, हमारी मांग है कि वो दोबारा से बहाल की जाए। ये जो एक विधान और एक ये एक देश एक विधान वाली स्थिति दोबारा लागू हो, मंडी के बाहर कोई 4% नहीं लगेगा, मंडी के अंदर हमें लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा, 4% भी देना पड़ेगा, ये दोहरे काले कानून क्यों, किस लिए लेके आ रही है सरकार? क्या हम उसका विरोध और आड़तियों के बीच में ये खाई पैदा करने की बात? आने वाली दिनों में आपको और अच्छे से देखने को मिल जाएगा, पता तो आपको अब भी है, लेकिन 20 तारीख को जब पूरा प्रदेश में चक्का जाम होगा, आड़ती और किसान कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पे उतरेंगे, जब अच्छे से पता चल जाएगा सरकार को। हर बात का इलम रखते हैं आप और बड़े निर्भीक हैं, निर्भीकता से बताइए कि ये अध्यादेश आपको गवारा क्यों नहीं है? ये राजू जी काला कानून है, ये अध्यादेश नहीं है। एक शहर के अंदर दो कानून अनाज मंडी मार्केटिंग बोर्ड ने विकसित कर रखी है, उसके अंदर किसान एंट्री करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, खरीदार ने इस गेट से बाहर कोई भी खरीदे बिना लाइसेंस के खरीदे, बिना लाइसेंस के खरीदने की छूट है, यहाँ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लाइसेंसों पर भी पाबंदी है, एक दुकान पर एक लाइसेंस से ज़्यादा नहीं ले सकते, और इसके अलावा अधिकारियों सैकड़ों चक्कर कटवाते हैं लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, अब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए अनाज मंडियों के। बाय द वे ये अध्यादेश पारित हो जाता आपका काम कैसे चलेगा? काम तो भगवान ने पैदा करे, रोटी देना उसका काम, जिस दिन भगवान पैदा करता है उसका रोटियों को अंजाम चलाते रहेंगे क्या आप? काम काम कैसे चलाएंगे, काम तो बंद हो जाएंगे, ये मजदूर है ये बेरोजगार हो जाएंगे, आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे, आप मुनीम बेरोजगार हो जाएंगे, विरोध स्वरूप कुछ शहर में सैकड़ों मुनीम फैक्ट्रियों उद्योगों के बंद होने की वजह से बेरोजगार फिर रहे हैं। आपको मैं दिखा दूंगा एक एक ऑनलाइन ट्रेडिंग से। हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग से। मेरे साथ हैं बिल्कुल किसान नेता और किसान भी हैं और आड़ती भी हैं रविंद्र मलिक जी, आप बताइए जरा, बताओ नेता तो मैं नहीं कहूँगा, आप राजनीतिक भाईचारे में हैं। जो किसान हितैषी किसानों के मसीहा सर छोटू राम के नाती और आज इस काले कानून के खिलाफ नहीं बोल रहे, उसमें मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, जो किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल का खून आज काले कानून के साथ खड़ा है, तो आपका इशारा चौधरी विजेंद्र सिंह जी और जी आपको पता चल दुष्यंत चौटाला जी की तरफ है। जी आपको पता चल चुका है कि किसकी तरफ है इशारा, क्या आप तो स्पष्ट कह रहे हैं। अच्छा बताइए। हाँ जी, ये काला कानून ला रहे हैं और एक तरफ जो उनके नाम से किसानों के मसीहा के नाती और आज आंख मूंदे बैठे हैं, इस कानून के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इस कानून का साथ दे रहे हैं। एक तरफ हमारी जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज वो किसानों के साथ खड़ी हैं, शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ा है, आज इनको जरूरत है। यदि कहीं राजनीति में कद बढ़ाने की राजनीति कद बढ़ाने की आज जरूरत है तो किसानों के साथ आके खड़े हों, ये वहाँ से इस्तीफा देकर आए। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो एसोसिएशन के प्रधान है यहाँ के, ये आपका विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ये अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन है, जब तक सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेगी, मंडी का कोई व्यापारी वहाँ पे यहाँ पे माल खरीद बेच की कुछ कोई वो उसमें शामिल नहीं होगा।
प्रधान हैं संतलाल जी जो यहाँ पलेदारी करते हैं और उनके प्रधान हैं, आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है इसका? बहुत फर्क पड़ा है जी, हमारे मजदूर है सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है जी। कोरोना की वजह से पहले सरकार ने सारे काम बंद कर दिए जी, ये सारे यहाँ मजदूर देखो जी यहाँ से लेटे हुए हैं, सारे मजदूर ताश खेल रहे हैं, कोई कैसे घूम रहा है, खाने पीने का रोजगार था जी वो हमारा सारा बंद हो गया जी। नो लिफ्टिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग ऑनलाइन होगी? नहीं जी, लिफ्टिंग अनाज मंडियाँ बंद हो जाओगी तो लिफ्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, है जी के साथ हैं जी, अनाज मंडियों से जुड़े हुए हैं। चलो मैं आपकी बात आगे, अगर वापस नहीं लेते तो इनका कारोबार बंद रहेगा, जैसा कि राजेश लांबा का जी। एक बात शब्दावली से अपने विचारों का नवाजिएगा हमारे चैनल जी। देखो मनोज राठी, फायर ब्रांड नेता, ऐसे है जी, देखो किसान हो आज, किसान की हैसियत से बात कीजिए। हम किसान भी हैं जी और व्यापारियों को हमारा समर्थन है, किसानों को हमारा समर्थन है, हमारे नेता ने समर्थन दिया है और हमारे नेता ने एक एक कार्यकर्ता को बताया है कि कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी और किसान के साथ खड़ा होना है इस काले कानून के लिए। हमारी मांग है, हमारे नेता ने बड़े ज़ोर शोर से संसद में, हमारे नेताओं ने बड़े ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया है कि तीनों अध्यादेश उल्टे लिए जाएँ, लेकिन बीजेपी के नेता अड़े हुए हैं कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए अच्छा कानून है। आम आदमी को पता है कि ये कानून खतरनाक है। और मैं तो अपना एक बात और बताऊंगा, ये व्यापारी किसान के लिए नहीं, ये आपके लिए भी खतरनाक है, ये आप पत्रकार के लिए भी खतरनाक है, छायाकार के लिए भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, अगर ये स्टॉक, सर हमें छोड़िए सीधे अपने ये स्टॉक है, ये मत बताना चाहूँ भाई उनके लिए खतरनाक क्यों है। अगर ये कानून लागू हो जाता है और कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी वाला छोर है ना, अडानी ने अन्ना सारा देश की दालें, सारे देश का अनाज अपने गोदाम में धर लिया, अन्ना धरा तो 1000 रुपये के भाव में, और जब बेचने का टाइम आया तो 5000 रुपया आप ते लेंगे जी, ये नु कहोगे आ जाए भाई हम तो देख ले, फिर भी सोच ले रख लिया हमारा खान जोगा तो। लेकिन ये समस्या जो है आम आदमी को सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली है, इसीलिए मेरी आम आदमियों से अपील है भाई सारे लठ ले की 20 तारीख ना सड़क पर खड़े हो जाओ, कोई किसी ने टपने ना दो। 20 तारीख का किसान यूनियन का चक्का जाम करने का ऐलान है और उसमें हमारी पार्टी व्यापारियों और किसानों के जमा साथ है कि कार्यकर्ता साथ। 1000 आड़ती है, 90000 मुनीम है और लाखों की संख्या में लेबर है, वो सब साथ हैं बिल्कुल तन मन धन से। ये ऐलान किया है अगर यह अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा, ऐसा कि यानी कि प्रवक्ता है, स्टेट के प्रधान है, एसोसिएशन आगे तक पहुँचाने दायित्व तो रखते हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़, मैं मेरे सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी के साथ। चले फिर से हम दिल घबराए।